इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको कभी भी उंगलियों के बीच में यहां पर पूरा कंप्लीट यव बने, ऐसा जाकर ये पूरा गोल बनना चाहिए आंख की तरह, जैसे हमारी आंख का डिजाइन होता है ना वैसा, ऐसा बिल्कुल ऐसा यव बनता हो फोल्ड में, फोल्ड करने से कंप्लीट बने, ठीक है। ये बहुत शुभ मानते हैं, हालांकि आपको रेयरली दिखेगा, बहुत रेयर दिखता है कि आप लोग खुद अपना अपना हाथ भी देखें कि ये यव कंप्लीट होता है कि नहीं। सिर्फ उंगलियों की बात कर रहा हूँ, अंगूठे का आपको बहुत मिल जाएंगे, लेकिन उंगलियों के बीच का जो है ना यव कंप्लीट सबका नहीं होता, बहुत रेयर मिलेंगे, 5% लोगों के हाथ में आपको दिखेगा ऐसा। सर मेरे है, मैं फोटो खींच के भेज दूंगी, सारे कंप्लीट तो आप देख लेना। सारे हैं, सारों में मतलब आठों में, नहीं सर, जो मिडल फिंगर बड़ी वाली होती है उसमें, और ये तो कंप्लीट है, हाँ फर्स्ट बस फिंगर में थोड़ा सा मुंह खुला हुआ है, लास्ट में नहीं है। हाँ ठीक है, आप भेजो, भेज दो। जी तेरे सर, भी है सर, दिख रहा है, हाँ सब में हो तो अच्छा फल देगा, अब जिसमें सब में है होगा सर, आठों में दिख रहा है। बहुत बढ़िया, तब तो आप जैसा सुखी तो कोई है ही नहीं पर। सर जरा फिर से बताएंगे, समझ में नहीं आया। हाँ देखिए अभी ये दिख रहा है आपको, ये वाला स्क्रीन, इसके मैंने, ये, हाँ हाँ फिंगर्स के बीच में मैंने एक, देखिए आई की तरह ड्रॉ किया है, आंख की तरह यस दिख रहा यस है, यस, ओके ओके, ठीक है। ये अगर कंप्लीट बनता है, ये अगर कंप्लीट बनता है और आठों उंगलियों में अंगूठे को छोड़कर बाकी के चारों उंगलियों में जॉइंट में ये वाला अगर कंप्लीट इस तरह से बन रहा हो तो ये बहुत शुभ मानते हैं, ऐसे लोग भाग्यशाली होते हैं, समृद्ध होते हैं, ओके अंडरस्टैंड। सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। अगर किसी एक में है और बाकी चार में नहीं है तो उस व्यक्ति के जीवन में उस दशा या उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेशन में जो जो चीज पड़ता है उसमें उनको लाभ मिलेगा, बाकी प्लैनेट्स में नहीं मिलेगा, सर ठीक है। मैंने देखना प्लीज हाँ उसको मैं व्हाट्सएप, उसको मैं दे मैं यहाँ पे पहले ये पढ़ा देता हूँ फिर उसमें जाऊंगा मैं ठीक इस है तरह से। ठीक। हाँ आप जब पढ़ लोगे ना तो उसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे आपके हाथ में तो वो ज्यादा क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाथ की उंगलियां लचीली और लंबी हो तो जातक का किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से संपर्क रहता है। लचीली यानी कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट उंगलियां रहें, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मतलब जिसको आप उंगलियों को मूवमेंट करने में कोई इशू ना हो, बहुत ज्यादा सॉफ्ट उंगलियां रहें और पीछे की ओर जितना हो सके फोल्ड हो सके बड़े आराम से बिना किसी दर्द के, बिना किसी उसके, उसको लचीली उंगलियां कहेंगे। लचीली उंगलियां हमेशा अपने, सिर्फ अपने ऑपोजिट सेक्स की नहीं, हर एनीवन किसी को भी ऐसे लोग ना इम्प्रेस कर पाते हैं, उनकी पर्सनालिटी सर बहुत, मैं तो फ्लेक्सिबल हाथ जिनका होता है दे आर एक्चुअली, ये लोग दूसरों को इम्प्रेस भी कर सकते हैं और इनके पास नॉलेज भी अच्छा होता है। ये ना इनको अगर कोई टॉपिक बताया जाए ना तो ये कहीं ना कहीं से नॉलेज गैदर करके अच्छा प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ बताया गया कि फीमेल्स या अपने ऑपोजिट सेक्स को ज्यादा इंप्रेस करते हैं, ऐसा नहीं है, वो हर काम में थोड़ा माहिर जैसे ही होते हैं, वो कहीं भी एडजस्ट हो सकते हैं और किसी भी काम को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके बाद हाथ की उंगलियां लचीली और लंबी हो तो जातक किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति से संपर्क करता है। इसके बाद हाथ की उंगलियों का प्रथम पर्व फूला हो तो जातक कुशल और वाक्पटु होता है, अर्थात बातों का धनी होता है। फूला मतलब ये वाला ऊपर वाला हिस्सा जो है जरूरत से ज्यादा उभार लेना हुआ, ये वाला हिस्सा ये ज्यादा फूला हुआ दिखे किसी के भी उंगली में, डेवलप है एकदम स्किन की तरह, ये डेवलप है पूरी तरह से, ठीक है। सपाट दिखे तो पता नहीं चलेगा, डेवलप मतलब बाकी जगहों से, बाकी ये इन सब पोर्शन से ये वाला पोर्शन डेवलप है, तो ऐसे लोग वाक्पटु होते हैं, बात करने में माहिर, मार्केटिंग में बहुत अच्छा करेंगे ऐसे लोग, मार्केटिंग में एक्सपर्ट होते हैं। हाथ की उंगलियां अपेक्षाकृत छोटी हो तो जातक धूर्त चालाक साहसी और हिंसक प्रवृत्ति का होता है। छोटी उंगलियों की बात मैं बता देता हूँ, छोटी उंगलियों वाले हाथ बहुत कम आपको दिखेंगे,
5 to 7% लोग आपको दिखेंगे जो जिनकी हाथ में छोटी उंगलियां रहेंगी, ठीक है। अदरवाइज लगभग जो है आपको लंबे हाथ ही, बड़े हाथ ही दिखेंगे, छोटी।